चार साथियों। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डिजीनेस के विषय में। डिजीनेस यानी कि घुन्नी ऐसा दिमाग में घूमना, एक कमज़ोरी आना, एक चक्कर आना, और वह जो आपको एक वीकनेस का, ड्राउजीनेस का सेंसेशन देते हैं, उसको डिजीनेस कहते हैं। बताएंगे आपको साथियों डिजीनेस को कंट्रोल करने की, ठीक करने की 10 कारगर संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों यह जान लेते हैं डिजीनेस होती क्या है। डिजीनेस साथियों एक तरह की वीकनेस, वर्टाइगो, कमज़ोरी, हेजीनेस, ड्राउजीनेस, इस तरह का जो यह कमज़ोरी का सेंसेशन आता है कि कुछ घूम रहा है, इस सेंसेशन को डिजीनेस कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है वर्टाइगो, चक्कर आना। अगर आपको वास्तव में कुछ घूम नहीं रहा है और आपको घूमने का एहसास दे, चक्कर आने का एहसास दे, स्पिनिंग का एहसास दे, उसको वर्टिगो कहते हैं। तो वर्टाइगो भी डिजीनेस में आता है, हालांकि इस पर हमने एक चक्कर आने पर अलग वीडियो भी बनाया है, लेकिन हम इस वीडियो में भी इस टॉपिक को कवर करेंगे। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। डिजीनेस में साथियों आपको सर पे हल्कापन लगता है, लाइटनेस महसूस होती है, स्पिनिंग महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आना महसूस होते हैं, यह सारे सिम्टम्स हैं जो कि डिजीनेस से एसोसिएटेड हैं। बात कर लेते हैं साथियों डिजीनेस के कारण की। डिजीनेस तमाम कारण से हो सकती है, जिसमें आपका इनर ईयर का डिस्टर्बेंस एक कारण हो सकता है, आपका मोशन सिकनेस एक कारण हो सकता है, या आपके जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वह एक कारण हो सकते हैं, साथ में इंजरी या चोट अगर आपको लगी हो वह भी एक कारण हो सकता है। जहाँ तक इनर ईयर डिस्टर्बेंस की बात है, इनर ईयर में जब आपका जो इनर ईयर होता है वह जो सिग्नल आपके ब्रेन को भेजता है उसको ब्रेन ठीक से रिकग्नाइज नहीं कर पाता है, तो वो वर्टाइगो के रूप में होता है, जिसमें आपकी आइज इन्वॉल्व होती हैं, आपका इनर ईयर इन्वॉल्व होता है और आपका सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जब यहाँ मिल के जब इनका जो आपस का तालमेल ठीक नहीं होता है, जो कि इनर ईयर से डिस्टर्बेंस शुरू होता है, जो सेंसरी नर्व सेल्स होते हैं उनसे शुरू होता है और वह आपके दिमाग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता सिग्नल, तो आपको चक्कर आना महसूस होता है। उसके अलावा साथियों मीनियस डिजीज़, जिसमें कि आपके इनर ईयर में फ्लूइड भर जाता है, वह कारण हो सकता है आपके डिजीनेस का। साथ में आपको कभी ट्रॉमा पहुंचा हो, चोट पहुंची हो, वह एक कारण हो सकता है, या फिर आपका मेडिसिनल डिस्टर्बेंस हो, दवा लेने से कोई डिस्टर्बेंस हो, तो वह भी एक कारण हो सकता है। तो यह तमाम कारण हो सकते हैं आपके इनर ईयर की समस्या के और साथ में आपके डिजीनेस के, यानी कमजोर चक्कर आने के, जो हल्का सा चक्कर हर समय महसूस होता है। इसमें साथियों एक और कारण आता है, बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, या वो स्थिति होता है कि जब आप तेज़ी से जब अपने हेड के मोशन को चेंज करते हैं उस वक्त आपके चक्कर आने लगता है, जैसे आप करवट बदल रहे हैं, जैसे आप सर को झटके से ऊपर से नीचे करें तो आपको स्पिनिंग कुछ सेकंड की महसूस होती है। तो ये बीपी भी एक कॉज होता है आपकी डिजीनेस का। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं इस डिजीनेस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। दवाएँ बताने से पहले साथियों ज़रूर बता दें, ये दवाएँ आपके जानकारी के लिए हैं, आपकी इस बात के लिए हैं कि होम्योपैथी में वास्तव में डिजीनेस की दवा आती है, केवल आपको ये भरोसा दिलाने के लिए है। कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा, हर दवा के अपने इफ़ेक्ट्स और अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं डिजीनेस को कम कराने की, ख़त्म करने की 10 कारगर संभावित होम्योपैथिक दवाएँ। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको बहुत चक्कर आ रहा है, आपको डिजीनेस महसूस हो रही है और आपकी आँखों से आपको डिम दिख रहा है, साफ सामने की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अगर यह स्थिति आपकी डिजीनेस की है कि आपका विजन भी हेजी हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, उस कंडीशन में जब आपको वर्टाइगो चक्कर आ रहा है, आपको डिजीनेस यानी घुन्नी ऐसी यानी कमज़ोरी महसूस हो रही है और आपके विज़न को डिम होता नज़र आ रहा है,
तो बेलेडोना आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसका जो गाइडिंग सिम्टम है साथियों कि इसमें चक्कर बहुत तेज़ आता है, अचानक आता है और अचानक चला जाता है, यानी कुछ पल रहता है फिर चला जाता है। तो अगर यह सिम्टम हो तो आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। एक स्थिति साथियों डिजीनेस के विषय में आती है। डिजीनेस उस स्थिति में महसूस हो सकता है आपको जब आपके कोई ट्रॉमा पहुंचा हो कान को। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके कोई ट्रॉमा इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, चोट पहुंची और उसके बाद आपको डिजीनेस महसूस हो रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्निका। आप आर्निका 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपके जो ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है उसको ठीक करेगी। साथ में आप बेलेडोना दवा भी ले सकते हैं, यह आपके पेन को ख़त्म करती है। तो आर्निका और बेलेडोना ट्रॉमेटिक इंजरी की बहुत कारगर दवाएँ हैं। एक स्थिति साथियों आती है जिसमें कि डिजीनेस व्यक्ति को तब महसूस होती है जब उसको लगता है कि सब कुछ चक्कर में घूम रहा है, गुलाई में घूम रहा है। उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में तीन बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है ब्राइनिया एल्बा, दूसरी दवा है जेल्सीमियम और तीसरी दवा है कोकुलस। ब्रानिया एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप तब ले सकते हैं जब ज़रा सा भी हिलने से आपको डिजीनेस और कमजोरी आने लगे। उस स्थिति में ब्रानिया बहुत अच्छी दवा है। दूसरी स्थिति आती है कि जब आपको चक्कर आता है, जब आप खुले में जाते हैं, तो उस स्थिति में इस समस्या से निपटने की बहुत कारगर दवा है कोकुलस इंडिकस। आप कोकुलस 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आपका जो चक्कर आ रहा है खुली हवा में, ओपन एयर में जाने का, वह ख़त्म होगा और आपको आराम मिलेगा। और इसके जस्ट अपोजिट एक दवा है पल्सेटला, जिसमें आपको जब आप बंद कमरे में रहते हैं तब आपको चक्कर ज़्यादा आता है और जब आप खुले कमरे में चले जाते हैं तो चक्कर आना बंद हो जाता है। तो इस तरह ब्राइनिया, कोकुलस और पल्सेटला तीन बहुत कारगर दवा है। सर्किल में जब वटाइगो आता है, गुलाई में चीज घूमती है उसकी। एक स्थिति आती है साथियों, आपको डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको चक्कर आ रहा है, आपको डिजीनेस आ रही है, आपकी आंखों की पलकें उठ नहीं पा रही हैं और आपको बहुत वीकनेस हो गई है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम। आप जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बहुत चक्कर आ रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही हो, आपकी पलकें भी ऊपर ना उठ रही हो और आपको प्यास ना लग रही हो, यानी जब आपके डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, अगर ये चार गाइडिंग सिम्टम हैं तो आपकी संभावित दवा आपको ठीक करने की, बेहतर स्वास्थ्य में करने की जेल्सीमियम सेमीपरवाइनम है। फिर साथियों डिजीनेस आपको महसूस तब हो सकती है, सिम्टम आता है जब आपके मिनस डिजीज हो। मिनस डिजीज वह स्थिति होती है जब आपके इनर ईयर में फ्लूइड भर जाता है और आपको उससे दिक्कत होती है। मिनस डिजीज पर सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक नोटिफिकेशन पैनल में दिया है, लेकिन क्योंकि विषय डिजीनेस का है और माइनस डिजीज में भी डिजीनेस होती, तो उसको यहाँ पर भी बात कर लेना ठीक है। तो अगर साथियों आपको मिनस डिजीज है और आपको दिक्कत हो रही है वटाइगो की और डिजीनेस की, तो उसको ठीक करने की तीन बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है चिनोपोडियम, दूसरी दवा है चिनिनम सल्फ और तीसरी दवा है फॉस्फोरस। चिनोपोडियम साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपके कान में आवाज़ें आ रही हों जिसमें कि बजिंग साउंड आ रही हो, मक्खी के, मधुमक्खी के भिनभिनाने की जो आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ आ रही हो, तो चिनोपोडियम बहुत कारगर दवा है डिजीनेस को दूर करने की। उस स्थिति में आप इसका 30 पावर दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, आपको चिनोपोडियम लेने से लाभ होगा। दूसरी स्थिति आती है साथियों जिसमें कारगर दवा है चिनिनम सल्फ। चिनिनम सल्फ्यूरिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके रोरिंग साउंड आ रही हो, बहुत तेज़ आवाज़ें कान में आ रही हों, अचानक आ रही हों, बहुत तेज आ रही हों, तो उस स्थिति में आपकी दवा चिनिनम सल्फ है। और तीसरी दवा जो है मेनियस डिजीज में, वटाइगो और डिजीनेस में कारगर जो है वह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको उठते ही
चक्कर आने लगता हो, लेटने से जब आप उठते हो तो आपको चक्कर आने लगता हो, तो उस स्थिति में चिनोकोडियम नंबर फॉस्फोरस नंबर एक दवा है, यह आपको लाभ देगी। फॉस्फोरस बाल झड़ने से रोकने की भी बहुत कारगर दवा है। तीसरी स्थिति साथियों आती है कि आपको चक्कर आ रहा है, डिजीनेस है और आपको उल्टी और उकाई आ रही है। अगर वह स्थिति आपको है कि आपको वॉमिटिंग और नौजिया महसूस हो रहा है और साथ में आपको डिजीनेस है, वीकनेस है, वटाई को चक्कर है, तो उस स्थिति को ठीक करने की और आपको स्वस्थ करने की बहुत अच्छी दवा है कोकुलस इंडिकस। आप कोकुलस 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके वटाइगो को रोक देगी और यह दवा आपका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का वटाइगो होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ में जैसे जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत लोगों में एक टेंडेंसी होती है, जब वो बस से या ट्रेन से या प्लेन से ट्रैवल करते हैं तो उनको वॉमिटिंग होने लगती है, महसूस होती है, उस स्थिति को ठीक करने की भी बहुत कारगर दवा कोकुलस इंडिकस है। एक स्थिति साथियों आती है कि जब मरीज को डिजीनेस जिसको महसूस हो रही है उसको अपनी विजन में आँखों के आगे बहुत सारे कलर्स की लेयर दिखने लगती हैं, तो अगर यह स्थिति किसी में हो कि उसको बहुत सारे कलर की लेयर्स दिख रही हो, उसको डिजीनेस और वटाइगो हो, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है साइक्लामेन। आप साइक्लामेन 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको अपने आगे कलर्स की बहुत सारी लेयर दिख रही हो और वह आपका विजुअल डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हो, तो यह उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति साथियों आती है बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रही है और उन्हें चक्कर आ रहा है, तो अगर यह स्थिति हो कि उनको बहुत ज़्यादा डिजीनेस है और चक्कर आ रहा है और वह एक राउंड आकार में घूम रहा है, गोलाकार आकार में चक्कर घूम रहा है, चक्कर सब गोलाकार में घूमते हैं लेकिन कुछ स्थिति में होता है कि आपको लगता है चीज़ आगे आई चीज़ पीछे आई, लेकिन एक सिम्टम यह होता है जब बुजुर्ग लोगों को लगता है सब कुछ गोल घूम रहा है, आसपास स्पिन कर रहा है, तो अगर यह स्थिति साथियों है किसी बुजुर्ग के साथ तो उनको इस स्थिति से ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कोनियम मैक्युलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर में तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपके वटाइगो को रोकेगी, आपका जो सर्किल में रोटेशन में स्पिनिंग हो रही उसको ख़त्म करेगी और आपको चोट लगने से गिरने पड़ने से बचाएगी। बहुत कारगर दवा है ये बुजुर्ग अवस्था में। साथ में कोनियम प्रोस्टेट की भी बहुत अच्छी दवा है, अगर किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है वह भी कोनियम को कंसिडर कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है जो हमने आपको भी बताई थी, BPPV बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वटाइगो, यानी जब आप पोजिशन को चेंज कर दें तो कुछ पल के लिए आपको चक्कर का एहसास होता है और ज़रा सा भी चेंज करने से एहसास होता है, तो अगर यह स्थिति आपको है, आपको BPPV की दिक्कत डायग्नोज हुई है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से। उसमें बहुत कारगर दवाएं हैं दो साथियों, ब्राइनिया और कोनियम। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद बहुत कारगर है उस स्थिति में जब आपको जरा सा भी सर हिलाने से चक्कर आ रहा हो, जरा सा भी आप मोशन में आते हो या आपका हेड मोशन में आता हो तो आपको वटाइगो आ जाता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा ब्राइनिया एल्बा है। आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, यह दवा आपको लाभ देगी। दूसरी स्थिति जो इसमें आती है वह आती है कि जब बहुत कारगर दवा है कोनियम। कोनियम 1 mg की तीन खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको सर को पीछे करने पे चक्कर आता हो, जब आप सर को बैक करते हो तो आपको चक्कर आता हो, तो अगर यह स्थिति है तो कोनियम बहुत अच्छी दवा है, आपको लाभ देगी, आपके बेनाइन पोजिशनल प्रॉक्सिमल वटाइगो को सही करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी को ईयर में इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा डिजीनेस और वटाइगो आ रहा हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपके ईयर में इन्फेक्शन हो गया, उससे पस आ रहा है और आपको उससे चक्कर आ रहा है, तो उसको रोकने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैलिसिया। आप सैलिसिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके सारे पस को कान से बाहर करके कान को भी सुखा देगी और आपके वटाइगो और डिजीनेस को भी रोक देगी, और ये यहाँ तक कारगर है कि इसको जो एलोपैथ हैं वो इसको कहते हैं कि इट्स द सर्जन्स नाइफ इन द हैंड ऑफ होम्योपैथ, यानी सारे जो पस सेल फॉरेन बॉडीज हैं उसको ये बाहर कर देती है शरीर से
और आपके सिस्टम को स्वस्थ कर देती है। फिर साथियों डिजीनेस की एक और स्थिति आती है कि वो जब आप सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस हो, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस है यानी आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, 7 होती हैं नेक में हम लोगों के, इनके बीच में किसी वर्टिब्रा के बीच में इन्फ्लेमेशन आ गया हो तो आपको डिजीनेस महसूस होती है। तो अगर यह स्थिति साथियों हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में 4 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है बेलेडोना, दूसरी दवा है जलसीमियम, तीसरी दवा है एसिड फॉस और चौथी दवा है कोकुलस। बेलेडोना जो है साथियों बहुत कारगर दवा है जब आपके नेक में स्टिफनेस हो और पीछे गर्दन करने पे आप गिर जाते हो और पेन हो, तो अगर यह स्थिति हो तो बेलेडोना बहुत कारगर दवा है। यह दवा आपको राहत देगी और आपको ठीक करेगी। दूसरी दवा साथियों आती है जलसीमियम सेमीपरवाइनम। जलसीमियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के वर्टाइगो या डिजीनेस में, जब आपके यह दर्द गर्दन में बिल्कुल पीछे से उठता हो और यह आपकी आँख आईबॉल्स के पीछे तक जाता हो और आपको बहुत वीकनेस लगती हो, डिजीनेस लगती हो, प्यास न लगती हो, तो उस स्थिति में जलसीमियम बहुत अच्छी दवा है। यह आपके वर्टाइगो को भी रोकेगी और आपके डिजीनेस को भी खत्म करेगी। तीसरी दवा आती है एसिड फॉस। एसिड फॉस 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा दिमागी कमजोरी लग रही हो और आपको डिजीनेस हो, उस स्थिति में एसिड फॉस बहुत कारगर दवा है, यह आपको रिलीफ देगी। और चौथी दवा जो हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रिलेशन में डिजीनेस की बताई वह है कोकुलस। कोकुलस इंडिकस 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप जब तब ले सकते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस हो रहा हो और आपके शोल्डर मसल्स में पेन हो, उस स्थिति में कोकुलस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। ये कुछ दवाएं थी साथियों आपके डिजीनेस को ख़त्म करने की और वर्टिगो को ख़त्म करने की। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे कि हर दवा का अपना महत्व होता है और हर डॉक्टर का अपना महत्व होता है। यह दवाएं हमने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दी हैं, लेकिन कोई भी दवा आप बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, और अगर डॉक्टर इनके अलावा कोई दवा आपको बताता है तो भी उससे ना उलझिएगा। मेरी नॉलेज संपूर्ण नहीं है, मैं भी रोज़ बहुत कुछ सीखता हूँ। मरीज़ दूसरों के पर्चे लाते हैं, हम लोग देखते हैं और कभी कभी हम उससे दवा को नोट भी कर लेते हैं, बाद में उसको स्टडी करते हैं। तो कारगर दवाएं हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछ के ना लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पे अपनी क्वेरी को हमको भेज सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे के आपको संतुष्ट कर सकें। निवेदन करेंगे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को क्लिक करके यूं ही सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।